तो आइए मेरे मेहमानों, एक और बात भी हिस्सा रहेगा महाभारत उस मौके की बात कि जब पांडव युद्ध के बाद अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं। मेरे मेहमानों, भारत के सभी राजाओं को इकट्ठा करते हैं और सभी से अपना दोस्ती का हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि इस पूरे भारत को हम एक अखंड भारत के रूप में देखना चाहते हैं। मेरे मेहमानों, आज तो अर्जुन नागलोक के लिए चल देते हैं। मेहमानों, चाणक्य कहता है कि महाराज, आज हमारा पुराना दुश्मन अर्जुन हमारे नागलोक में आया है। वासुकी समझ जाते हैं कि शायद ये फिर से हमसे युद्ध करना चाहता है। मेरे मेहमानों, आज तो वासुकी अपनी पुत्री से कहते हैं कि बेटी जाओ और उस अर्जुन को मार कर आओ, लेकिन समझदारी से काम लेना, वो कोई हल्का हल्का वीर नहीं है। तो कहती है, पिताजी आज मैं उस बैरी को मार कर ही अपना मुंह दिखाऊंगी। किस तरह से, आइए सुनेंगे राज के माध्यम से। और लूपी जाने ते पहले आ बेटी पुचकारू मैं, आज्ञा दे पिताजी पहले अर्जुन को मारू मैं, आज्ञा दे पिताजी पहले अर्जुन को मारूं मैं। और उलूपी जाने ते पहले आ बेटी पुचकारूं मैं, आज्ञा दे पिताजी पहले अर्जुन को मारूं मैं, आज्ञा दे पिताजी पहले अर्जुन को मारूं मैं। पिताजी बैरी अर्जुन को मारू मैं, आज्ञा दे पिताजी बैरी अर्जुन को मारू मैं। आज्ञा दे पिताजी बैरी अर्जुन को मारूं मैं, आज्ञा दे पिताजी बैरी अर्जुन को मारूं मैं।
फिर बांध के ले जा से बेटी गांडीवी की डोर से। पिताजी डरावे मत ना वीर ना वो चोर से। गौर करके जाने कहानी, गौर करके जाने कहानी, कदबे ना लड़ी हारू मैं। आज्ञा दे पिताजी बैरी अरे झुन को मारू मैं। आज्ञा दे पिताजी बैरी अरे झुन को मारू मैं। बेटी लेकिन पिताजी जब तक मैं उस अर्जुन को सबक नहीं सिखाऊंगी, उसे मौत के घाट नहीं उतारूंगी, मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। मैं तेरी शक्ति को जानता हूँ, लेकिन उसने मुझे भी हरा दिया बेटी। आज्ञा दे पिताजी बैरी अरे झुन को मारू मैं। आज्ञा दे पिताजी बैरी अरे झुन को मारू मैं। और उल्लू पी जाने ते पहले बेटी पुचकारू मैं। आज्ञा दे पिताजी बैरी अरे झुन को मारू मैं। आज्ञा दे पिताजी बैरी अरे झुन को मारू मैं।